आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो साथियों, आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे कि टैग हमारे पशुओं में कितने जरूरी हैं, कितने आवश्यक हैं। दूसरा, हमारे पशु हीट पर आते हैं और हमें पता नहीं लगता और हमारी पशु की वो हीट मिस हो जाती है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस कंपनी ने एक हीट चेक करने की बेल्ट बनाई है जिससे हम हीट की जानकारी ले सकते हैं और अपने पशु की AI टाइम चेक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। आप जो हमारे PDFA के मेले में जी, जो ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लेके आए हैं, उनके बारे में जानकारी दें, अपना परिचय दें और अपनी कंपनी का परिचय दें। सर, हमारा कंपनी का नाम है मास ट्रांसफर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। मेरा नाम है तुषार माली, मैं मार्केटिंग देखता हूँ इधर। तो हमारा कंपनी का मेन प्रोडक्ट इज एनिमल आइडेंटिफिकेशन टैग्स। एनिमल आइडेंटिफिकेशन टैग एनिमल के कान में लगाते हैं और एनिमल के गले में भी नए बेल्ट आए लगाने के लिए। सर, इसका इम्पोर्टेंट सर, एनिमल आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी चीज़ का डेटा अगर आपके पास रहेगा तो उसका मतलब फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। और आपके पास अगर डेटा रिकॉर्डिंग है तो उसके ऊपर से आप कोई भी कंक्लूजन वगैरह निकालने के लिए आपको ईजी रहता है। इसके लिए एनिमल आइडेंटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, एनिमल का मिल्क रिकॉर्डिंग, एनिमल का वैक्सीनेशन रिकॉर्डिंग रखना है आपको। देन एनिमल का हेल्थ चेक करना है डेली, मतलब किसको वैक्सीनेशन दिया है, नहीं कोई बाकी है जी। हाँ, तो मतलब हम रजिस्टर मेंटेन तब कर सकते हैं कि जब हमें पता हो कि हमारे इस नंबर ये इस नंबर का जो पशु है और इसका ये रिकॉर्ड है या इसके साथ हमने ये किया है, ये वैक्सीनेशन किया। देन मिल्किंग रिकॉर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे आजकल बहुत से मतलब मिल्किंग डेयरीज है जो एनिमल्स को आइडेंटिफाई टैग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो एनिमल पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, ये तो फायदा है। ऐसा देन और मतलब रिसर्च के लिए तो उसका अलग सा यूज़ होता ही है एक्चुअली। मतलब कौन से ब्रीड का एनिमल है, उसका मतलब क्रॉस ब्रीडिंग किया तो कौन सा नया ब्रीड इजाद हुआ, इसके लिए बहुत सही यूज़ है एनिमल आइडेंटिटी टैग के लिए। मतलब जो सामने से किसान भाई हमें और आपको सुन रहे हैं जी, उन्हें एक सरल भाषा में अगर आप समझाना चाहें कि टैग की कितनी अहमियत है। जी हाँ सर, टैग की अहमियत, अभी NDDP ने एक नया प्रोजेक्ट किया है NDP 1 करके, नेशनल डेयरी प्लान। उसमें सर एनिमल का रेशन बैलेंसिंग प्रोग्राम, मतलब कौन सा एनिमल को आपको फीड देंगे तो एनिमल का मिल्क प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, एनिमल का हेल्थ कैसे मेंटेन रखे, उसके लिए भी रेशन बैलेंसिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। देन AI मतलब आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन जो करते हैं वो भी पूरा एनिमल आइडेंटिफिकेशन मतलब एनिमल टैग्स के ऊपर ही डिपेंड है। ऐसा है। देन अपना और दूसरे प्रोग्राम वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो भी इसके ऊपर, मीन्स FMD वैक्सीन। अगर मतलब सब एनिमल्स को मतलब गवर्नमेंट देता ही है, लेकिन कौन से एनिमल को दिया और नहीं दिया वो तो हमें नहीं, ये रिकॉर्डिंग रखने के लिए भी एनिमल आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सर जी। ये एनिमल कुछ हमारे सैंपल्स है और मतलब पिक्चर्स में दिखा है, ये एनिमल आइडेंटिफिकेशन टैग्स है। डिफरेंट एनिमल्स टैग्स है जो कैटल एंड बफेलो के लिए यूज़ होता है, बाद में शिप एंड गोट के लिए भी कोई टैग्स यूज़ होता है। ये ऐसे ये छोटे वाले टैग कैटल एंड शिप के लिए यूज़ होता है और पोल्ट्री के लिए भी कुछ टैग यूज़ होता है ये वाला। ऐसा है। और ये एप्लीकेटर ये गोट के लिए यूज़ होता है राउंड वाला टैग, क्योंकि उनके कान छोटे होते हैं इसके लिए। हाँ, छोटे कान के लिए ये ईजी रहता है छोटा वाला टैग। ऐसा है। और ये मेल टैग बोलते हैं, एक्चुअली एनिमल टैग जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मेल टैग और फीमेल टैग। अच्छा। और कान में मेल टैग एंड फीमेल टैग लॉक होके एक टैग बनता है वो। ऐसा है। तो ये फीमेल टैग है और उसका एक यूनिवर्सल मेल टैग बोलते हैं। ऐसा है। वो राउंड वाला एक ही मेल टैग सबको चलता है। ये एप्लीकेटर है, उसे हम लोग टैग लगा सकते हैं, इसे हम लोग टैग लगा सकते हैं मेल फीमेल टैग। इसमें मेल और फीमेल टैग रहेगा ये टैग। ये फीमेल टैग रहता है, ये फीमेल टैग हम एप्लीकेटर में ऐसे लगा के, और ये मेल टैग रहता है इसमें लगा के, इसके बीच में कान आता है एनिमल्स का। अच्छा। एनिमल का कान आने के बाद हमें सिर्फ एक बार टैग करना है, टैग हो जाएगा ये। ऐसा है। अच्छा, ये जो है एक तरह से मान के चले कि ये जो है ये टैग मशीन है। टैग मशीन है, इसको टैगर भी बोलते हैं। हाँ, टैगर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने ये दिखाया, तो इसकी मतलब लाइफ क्या है और इसका रेट क्या है? सर, लाइफ इज अराउंड 5 साल के ऊपर तो चलता है, बिकॉज ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन टैग है। इसका मटेरियल थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन, जो एनिमल हेल्थ के लिए मतलब इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता नहीं है इस तरह से, मतलब इम्पोर्ट करके हम लोग ये मटेरियल से मतलब रॉ मटेरियल से बनाते हैं। सेकंड, इसके ऊपर लेजर मार्क आता है। ये लेजर मार्क मतलब इन मतलब आप कुछ भी करो, मतलब
अपने इंडिया में तीन सीजन आता है, मीन्स विंटर सीजन एंड गर्मी, ऐसा कोई सीजन का इफेक्ट वगैरह कुछ होता नहीं है ये मटेरियल पे। एंड लेदर मार्केट परमानेंट रहता है ऐसा, इसमें कुछ होता नहीं है, मतलब फेडेबल नहीं है कुछ भी ऐसा। तो ये जैसे ये टैग मशीन है जी हाँ, इसका अगर कहें तो इसका रेट क्या होगा? सर ये रेट एक्चुअली रेट डिफरेंट रहता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी रहता है बहुत ज़्यादा रेट, बट नॉर्मल इसका अराउंड 600 रुपीज़ प्लस GST रेट आ जाता है। अच्छा। ऐसा है। और एक टैग का रेट है, ये टैग है और टैग का सर अराउंड 10 रुपीज़ प्लस GST आ जाता है, बिकॉज इसके ऊपर लोगो वगैरह प्रिंट करना पड़ता है, तो उसका एक कॉस्ट अलग अलग रहता है ऐसा है। अच्छा। इसके थोड़ा वेरिएबल हो जाता है। और क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी के? सर दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एक एनिमल नेक बेल्ट करके एक है, एनिमल नेक बेल्ट एनिमल के गले में लगाने का है, मतलब कुछ लोगों के लिए, मतलब सपोज उनका 100 एनिमल्स का फार्म है और उनको टैग नहीं लगाना है, तो इसके लिए हमने एक नया सिस्टम मतलब तैयार किया है जिसमें एनिमल के गले में टैग लगता है। ये दो ब्लॉक रहेंगे इधर और दो ब्लॉक लेफ्ट एंड राइट साइड में रहेगा, तो आप लेफ्ट एंड राइट साइड एनिमल का रहेंगे तो एनिमल मतलब इजीली देख सकते हैं, देख सकते हैं। एंड सेकंड हाँ, हमारा जो है एनिमल है। एंड सेकंड थिंग, कभी आप एनिमल बेच देते हैं तो वो बेल्ट निकाल के आप दूसरे एनिमल को भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसका, मतलब ये रीयूज के लिए है। सेकेंड एज पर NGO के लिए एनिमल रिफ्लेक्टर बेल्ट बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बेल्ट। हाँ, इसमें ये एनिमल रिफ्लेक्टर बेल्ट है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी एनिमल एक्सीडेंट हो जाता है एनिमल्स का, बिकॉज हाईवे पे एनिमल्स रहता है, तो इसके लिए बाबा गाड़ी आ रहा है रात को, एंड ये ज़्यादा एक्सीडेंट जो है अंधेरे में होता है, बिकॉज एनिमल का कलर क्वाइटली सेम रहता है, अंधेरे में मालूम नहीं पड़ता जी, जी, जी। तो ये एनिमल रिफ्लेक्टर बेल्ट है, तो इसमें एनिमल रिफ्लेक्टर कपड़ा लगाया हुआ है ऐसा, जो लाइट पड़ते ही चमक जाता है। हमारे किसी गाड़ी की लाइट पड़ेगी तो वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दिख जाएगा कि ये जानवर है। जी हाँ, मालूम पड़ेगा इनको कि बाबा ये जानवर मतलब सामने कुछ तो है, जिससे गाड़ी स्लो करना चाहिए या फिर धीरे चलाना चाहिए, ये मालूम पड़ेगा, तो एक्सीडेंट बच जाता है, संभावना जो है खत्म हो जाती है। और आगे क्या दिखाना? और एक एनिमल हीट डिटेक्शन सिस्टम करके है हमारे पास, विष्णु बाबू हीट डिटेक्शन सिस्टम, ये एनिमल हीट डिटेक्शन सिस्टम है जिससे एनिमल का एवरेज एक ग्रुप मूवमेंट रहता है अराउंड 10 एनिमल्स या 15 एनिमल्स रहेगा। इसमें एनिमल हीट डिटेक्शन सिस्टम में से एनिमल का टोटल मूवमेंट मैनेज करके एनिमल हीट पे है या नहीं, ये सॉफ्टवेयर में आपको मालूम पड़ता है, उसका एक SMS आता है आपको रेगुलरली। अच्छा, अगर मान लिया हम ये यूज करेंगे तो हमारा ये पता लग जाएगा कि हमारा जो पशु है वो हीट पे है, हीट पे है नहीं है। हाँ, हीट पे है या नहीं है, इससे आपको एनिमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए यूजफुल रहता है, मतलब एक विंडो रहता है 4-5 घंटे में हमें एनिमल का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, जो अच्छा टाइम है उससे हम लोग करके एनिमल प्रेग्नेंट हो सकता है, प्रेग्नेंट हो मतलब एक्चुअल टाइम। तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस क्या होगा? सर प्राइस एनिमल के मतलब वो भी क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड है, बट अराउंड 50 एनिमल का अगर प्राइस ये रहेगा, एक गोटा रहेगा, तो इसमें एक 10,000 पर एनिमल कॉस्ट आ जाता है इसका। अच्छा जी, 10,000 पर एनिमल कॉस्ट, बिकॉज सर इसका सपोज आप एनिमल का एक विंडो मतलब सब एनिमल का एक हिट आपने मिस कर दिया तो आपका एक टोटल मंथ लॉस हो जाता है। तो अगर आपका मिल्क मतलब एक एनिमल 15 लीटर दूध देता है वगैरह, तो ऐसा कैलकुलेशन कमर्शियली हीट पे बार बार आने से भी हाँ, वो दूध की घटा जाएगी। हाँ, तो इससे अगर सपोज आपका एक विंडो मिस हो जाता है एनिमल प्रेगनेंसी का, तो अराउंड आपको 15,000 वैसे भी लॉस है, तो आपको अगर एक महीना भी इसमें एक्यूरेसी दिखाया तो आपका वो पैसा वैसे हो जाता है। तो सर जो किसान भाई आगे से देख रहे हैं हमें और आपको बात करते हुए, उनसे आप अपने प्रोडक्टों और अपनी कंपनी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सर कभी भी एक्चुअली हम लोग 1994 से ये बिजनेस में है और कभी भी किसी से कंप्लेंट नहीं आया है। NGDV के साथ हमने काम किया है, इवन PDFA के साथ हम लोग अराउंड 10 साल से ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। तो रेगुलरली उनके टैग भी हम लोग बेचते हैं इधर, तो कभी भी मतलब क्वालिटी में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो मतलब क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट कभी भी। आपने अपनी कंपनी के बारे में और उनके प्रोडक्टों के बारे में हमारे किसान भाइयों को हमारे चैनल के थ्रू जानकारी दी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। तो सर कोई किसान भाई अगर आपके ये टैग या आपके कंपनी के बनाए हुए ये प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहे तो वो कहाँ विजिट करे और कहाँ से खरीदे? सर एक्चुअली हमारा PDFA तो हमारा टैग परचेस करता ही है, सेकंड थिंग हमारा हेड ऑफिस जो है मुंबई में, मास ट्रांसफर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री कंपनी हमारा मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में हमारा ऑफिस है। मतलब अगर कोई UP का आदमी है अगर वो लेना चाहे या दिल्ली का आदमी है NCR का, वो कहाँ से करे? सर दिल्ली में बेंसन डेयरी करके उधर भी हमारा टैग मिलता है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर ही है हमारे, वो UP और दिल्ली हरियाणा वगैरह देखते ही है, तो इजीली उनको मतलब एक फ़ोन करके अवेलेबल कर सकते हैं।
है, और सेकंड थिंग आप हमसे भी कांटेक्ट करके, हमारा फ़ोन नंबर वगैरह दिया है हमने इस पर, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, आपको 100-200 जितना भी क्वांटिटी चाहिए हम आपको कुरियर कर देंगे। ऐसा जो भी लोगो चाहिए आपके फार्म का, नाम प्रिंट करके नीचे 0-100 वगैरह नंबर जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट करके कर देंगे। जी हाँ, कर देंगे 100% कर देंगे। तो साथियों, आपने टैग के बारे में और ये बेल्ट के बारे में और ये सभी जानकारियाँ ली। अगर ये मेरी कोशिश और ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी आने वाली जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।